बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ, लगातार हम दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, जो मैं अब बस स्टैंड के बाहर आ चुका हूँ, मेरे साथ लोग मौजूद हैं। मैं भैया, मास्क कहाँ है आपका? मास्क आपने नहीं लगाया। कोरोना पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, फिर आप बच्चे को लेकर उसका जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। लगातार अगर बात करें, आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क, सर ठीक है, सवारियों को लेके जा रहे हैं लेकिन ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मास्क नहीं है आपके पास? सर है। पुलिस इनका चालान क्यों नहीं कर रही, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, क्योंकि बिना मास्क के इनका चालान कहाँ है? मास्क लगाने की लगाइए उसको, मास्क को लगाइए, मास्क को लगाइए चेहरे पर। देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको रियलिटी चेक, ईदगाह बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा है, लेकिन बात की जाए तो लोगों के पास मास्क नहीं है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लगातार कितना भी लोगों को समझा लिया जाए लेकिन इनके पास मास्क नहीं है, लोग लगातार बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोग देखा जाए कि एक पुलिसकर्मी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भैया आपका मास्क कहाँ है? आप पुलिसकर्मी हैं? सर है, मास्क अभी हटाया मैं। आप जब आप नहीं लगाएंगे आप जनता को क्या समझा पाएंगे? सर अभी लगाया मास्क, अभी हटाया, ये लिख रहा था थोड़ा, इस वजह से थोड़ी। देखिए पुलिसकर्मी मौजूद थे, हालांकि इन्होंने मास्क इनकी जेब में था, इन्होंने लगाया देखने के बाद। तुम्हारा मास्क कहाँ है? मैं दिखाना चाहूँगा नज़ारा, चाहे रिक्शे वाला हो या बस की बात करें, रोडवेज की बात करें, रोडवेज के कर्मचारी भी अवेयर नहीं है मास्क के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप मास्क लगाइए, मास्क लगाइए और अवेयर हो जाइए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर लॉकडाउन क्यों ना हो, लोगों का साफ तौर पर लोग अवेयर नहीं हैं, लोग नहीं मानते, लोग नहीं माने। रियलिटी चेक हम कर रहे हैं आज आगरा शहर के ईदगाह बस स्टैंड से। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की विशेष रिपोर्ट।